है एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ पूर्णिया बिहार में और अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे छत की 5वीं मंजिल पर। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरी छत पे पानी भरा पड़ा हुआ है, ये देखो। क्योंकि अभी बिहार में 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इस कारण से पानी भरा पड़ा हुआ है। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख रहे हो गार्डन, अच्छे से दिखाता हूँ मैं, ये दिख रहा होगा आप लोगों को गार्डन। तो यार मुझे भी मेरी पुरानी यादें ताजगी हो रही है, क्योंकि इसी में मैदान में जाया करता था रनिंग करने के लिए आज से 1-2 साल पहले। तो ये फ़ोटो जो है ये आज से 2 साल पहले की है, जब मैं ग्राउंड पर रनिंग करता था। उस टाइम मेरी फिटनेस भी अच्छी थी, पर अब तो मोटा हो गया हूँ। सो याद आता रहता है भाई ये इन सबको देखकर। सो पुरानी यादें ताजी की होती है। और यहाँ पर बहुत ही शानदार हवा चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हो चारों तरफ का नज़ारा, ये दिख रहा होगा, ये देखो। ये पूरा पानी भरा रखा है, अभी बारिश हो रही थी ना इस कारण से। कि आप लोगों को पता ही होगा मैं क्यों आया हूँ, किस पर्पज़ से मैं बिहार आया हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी मुझे हो गए यहाँ पर 6 दिन, आज मतलब छठा दिन है मेरा। तो 25 तारीख को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और उसके बाद डायरेक्ट मिलेंगे 27 को इंदौर पे। सो अभी नीचे चलते हैं, अब यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है, अभी देखता हूँ मैं कैसे जाता हूँ। वैसे तो मैंने वहाँ पर 2 ईंट लगाई रखी है। ये ईंट लगा रखी थी मैंने, मैं यहाँ से चलते तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सीढ़ी के पास। अभी मैं हूँ 5वीं 6वीं मंजिल पे, चलते हैं अपन नीचे, फिर आप लोगों को नीचे का आउटलेट दिखाऊंगा कैसा क्या नज़ारा है। चलो चलते। फ्लोर पे आ चुका हूँ जहाँ पे पूरा आउटलेट बना हुआ है। उनकी स्वीट्स की भी शॉप है, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार इन्होंने मिठाई रख रखा है। तो अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आउटलेट कैसा है। अभी वो भैया ऊपर गए, वो पूछ रहे थे कि नाश्ता कर लिए, हमने वाला अभी नहीं किए, करेंगे। चलो अभी चलते। पूरा जो यहाँ से वहाँ तक है ना, लास्ट आगे तक पूरा आउटलेट है। ये डाइनिंग है यहाँ पे, मतलब 5 फुट का है। और आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्वीट्स की शॉप दिखेगी, पूरी स्वीट्स की शॉप, बहुत अच्छे अच्छे स्वीट्स रखे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे एक चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई, ये क्या चीज़ है भैया जी? ये भैया समोसा, ये मीठा समोसा है। ये मीठा समोसा है, तो ये मीठा समोसा है। मुझे अभी तक इतने दिन से समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा समोसा है। समोसा जैसा तो दिख रहा था, लेकिन कैसा है वो समझ में अभी तक नहीं आ रहा था। करेंगे बाद में टेस्ट, अभी अच्छे से, अभी तो पेट फूल है। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, अभी मुझे यहाँ पर हो गए 6 दिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर मैं चला जाता हूँ वहाँ पर तो आप लोगों को कैसा फील होगा, कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा जाने के बाद। क्यों? जब आप रहते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसा उनका कहना है कि मैं रहता हूँ तो अच्छा लगता है। तो अभी चलते हैं। लोगों को अभी तक मैंने किसी भी आउटलेट में किचन नहीं दिखाया होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किचन। ये देख रहे हो आप, अच्छे से दिखाता हूँ। ये है डोसा भट्टी, जिसके अंदर मसाला डोसा बनता है। और ये है पिज़्ज़ा ओवन, इसके अंदर पिज़्ज़ा बैक होता है। और ये है मिक्सर, जिसके अंदर अपन शेक वगैरह बनाते हैं। और ये चॉपिंग बोर्ड है। उसके बाद ये डीप फ्रायर, अपन इसके अंदर कुछ भी चीज़ फ्राई कर सकते हैं।
जैसे आलू टिक्की हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, उस तरीके से अपन फ्राई कर सकते हैं। और ये माइक्रोवेव, ये तो हर किसी के घर में आपको दिख ही जाएगा, कुछ भी चीज़ अपन इसमें गर्म कर सकते हैं माइक्रोवेव। और ये है ग्रिलर, और ये भी चॉपिंग बोर्ड है। ये है इंडक्शन, ये आई थिंक 2000 वाट का होगा, और ये शायद 3500 या 3000 वाट का है। मतलब दोनों में डिफरेंस है, वाट का डिफरेंस है, बाकी दोनों एक ही काम करता है। इसके अपन कुछ भी मैगी वगैरह अपन बना सकते हैं इजीली। और उसके बाद ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सारे शेक मॉकटेल के फ्लेवर वगैरह रखे हुए, ये सारे मसाले रखे हुए दिख रहा होगा आपको। मैं दूर से दिखाता हूँ कि सारा जो ये किचन सेटअप भी मैंने ही किया है, सारा मशीन वगैरह ये पूरा सेटअप मैंने ही किया है। तो अभी शाम के बज रहे 6, तो मैं भी निकलता हूँ रूम के लिए, मेरा भी टाइम हो चुका है। वैसे तो अभी ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, चलते हैं रूम पे, आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे, और तो चलो चलते। आउटलेट से मैं निकल चुका हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ पैदल, वॉकिंग डिस्टेंस पे ज़्यादा दूर नहीं है, अभी चलते। ये है पूर्णिया की रोड, पूर्णिया का मार्केट, बजरंगबली का मंदिर, जय बजरंगबली। इस गली में मेरा होटल है जहाँ पे मुझे रूम दिया है, ये रहा वो होटल। ये रूम नंबर है 52। अभी रूम का लॉक खोल लेते हैं, यहाँ से जो है लाइट चालू हो गई। तो ये रहा अपना रूम, फैन चालू, फाइनली मैं रूम पे आ चुका हूँ। अभी चलते हैं, खाना वाना ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ आज क्या खाऊँगा। वैसे वो चीज़ मैं 2 दिन से लगातार खा रहा हूँ, पर आज भी मैं वही खाऊँगा क्योंकि मेरी फेवरेट है। तो अभी चलते हैं, हाथ मुँह धोएंगे, फ्रेश व्रेश होएंगे, उसके बाद खाना ऑर्डर करेंगे। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रूम दिया है, मतलब जो पूर्णिया है बिहार, वहाँ के हिसाब से नॉर्मल होटल है। तो ये रहा, खैर जैसा भी, वैसे भी अपने को यहाँ पे पूरी ज़िंदगी बिताना नहीं है, सिर्फ 7 दिन रहना था, 7 दिन रह लेंगे, चलेंगे अपने घर। चलो एक चीज़ और, आज मुझे ये कपड़े भी धोना है, मेरे एक जोड़ कपड़े हैं। बाहर रहता हूँ तो मैं खुद ही धो लेता हूँ, वरना घर पे रहता हूँ तो मम्मी, सिस्टर या भाभी तो धो ही देती हैं। तो अभी चलते हैं, कपड़े भी धो लेंगे, हाथ मुँह भी धो लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद खाना ऑर्डर करेंगे। एक चीज़ और यार, मेरी बॉडी कैसे है ये बताओ पहले। वैसे फैट तो बढ़ चुका है, पर अब मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं जब भी इंदौर में रहूँगा मॉर्निंग में रनिंग पे जाऊँगा ही जाऊँगा, और एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि गाइस एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब भी इंदौर रहूँगा मैं कंटिन्यू रनिंग करूँगा, मतलब कंटिन्यू बोले तो मॉर्निंग में डेली एक्सरसाइज रनिंग करने जाऊँगा और अपने आप को फिट रखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, मैं बाहर आता हूँ तो फिर डाइट वाइट कुछ भी मेंटेन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो इंदौर में रहकर तो मैं कर ही सकता हूँ, तो वो चीज़ मैंने डिसाइड करी है और मैं बकायदा आपको बताऊँगा अभी करके। तो अभी चलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी मैंने कपड़े भी धो लिए मेरे, ये रख मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और फ्रेश भी हो गया हूँ, हाथ मुँह भी धो लिए। तो गाइस यार मैं भी अभी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आप लोग ना कमेंट करते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, शायद मैं बिगनर ब्लॉगर हूँ इस कारण से आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। पर एक दिन मेरे चैनल में मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, ये याद रखना। खैर ठीक है, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, शायद मैं इतने अच्छे ब्लॉग्स नहीं दे पा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इस कारण से इतना प्यार नहीं मिल पा रहा, मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। सो मैं ट्राई करता रहूँगा अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देने के लिए, भी कोशिश करूँगा कि मैं एक से एक ब्लॉग आप लोगों के सामने लाऊँ, और एक दिन आपका भाई भी मिलियन सब्सक्राइबर में होगा, ये मेरा वादा है। सो अभी चलते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बेल है, दिखाता हूँ।
तो ये जो है अभी बेल बजाइए, अभी एक बंदा आएगा ऑर्डर लेने, पापा को दिखाऊंगा मैं। अभी तक कोई आया नहीं ऑर्डर लेने, गजब बेइज्जती है। इंतजार कब तक हम करेंगे ये भला, कोई खाने को दे दो मेरे को भाई, खाने को दे दो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो अभी ये भैया आ गए ऑर्डर लेने। मेन्यू कहाँ है? ऐसे कैसे बता दे? चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो, एक कर दो चिकन बिरयानी। अभी रुके, पावन ऑर्डर दे रहा, संतान वाला भी आ गया रूम में, उसका फिर चला गया कस्टमर से बोलना। बोलिए भैया क्या खाइएगा? चिकन बिरयानी। हाँ सुनेंगे, रुके एक चिकन बिरयानी और एक सील पैक बॉटल पानी की। कितने में चाहिए? ठीक, अभी बस जैसे बनता है वैसे ला दीजिए। फाइनली मैंने ऑर्डर दे दिया है, अब ऑर्डर आ जाएगा अभी आधे घंटे में, तो चिकन बिरयानी खाएंगे। वैसे मैं दो दिन से लगातार चिकन बिरयानी नहीं खा रहा हूँ, मैं चिकन खा रहा हूँ, मतलब मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। अभी परसों मैंने मंगवाया था चिकन करी, और कल मंगवाया था मैंने बटर चिकन, और आज मैं मंगवा रहा हूँ चिकन बिरयानी। तो आज चिकन बिरयानी खाएंगे, इससे पहले भी मैंने चिकन बिरयानी खाई थी, टेस्ट अच्छा लगा था। तो अभी जैसे ऑर्डर आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर खाते हैं। गाइस एक और चीज़, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इंस्टाग्राम की लिंक, और मैं मेंशन भी कर दूंगा, और मैं बोल भी देता हूँ स्टाइलिश आर्या लामा करके इंस्टाग्राम पर हूँ, तो जाओ जल्दी से जाकर फॉलो करो, और मेरे पोस्ट देखो, रील्स देखो, लाइक करो, शेयर करो, और ढेर सारा प्यार दो। आप मुझे ढेर सारा प्यार देंगे तो मैं भी मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार दूँगा, ठीक है? अभी खाएं चिकन। तो अभी फाइनली मेरा खाना आ चुका है, यानी कि मेरी बिरयानी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रही भाई साहब बिरयानी, आप लोगों को दिख रही होगी, बहुत टेस्टी दिख रही है दिखने में। तो चिकन का पीस, ये आगे सील पैक पानी की बोतल, और ये थोड़ा सा सलाद। सलाद खाना चाहिए गर्मी में, ये ऑनियन अच्छा रहता है। खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर टहल लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। और ये वाला जो ब्लॉग है इस बार थोड़ा लेट आया है, किसी कारण से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था इस कारण से। तो खैर कोई नहीं, आप कोशिश करेंगे कि ब्लॉग पे ब्लॉग आता रहे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो।